हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो 21 दिसंबर 2018 को यश की फिल्म KGF Chapter 1 रिलीज हुई थी, और इस मूवी का हिंदी वर्जन जो है उसने शाहरुख खान की जीरो को भी पीछे छोड़ दिया था। और यही मूवी आ रही है Part 2 लेके। न्यू ईयर होके अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, मगर धमाका तो अभी शुरू हुआ है न्यू ईयर का। KGF 2 का जो टीजर है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, एंड इजिली इट इज 2021's बिगेस्ट ट्रेंड। तो दोस्तों, इस मूवी में यश यानी कि रॉकी भाई और श्रीनिधि शेट्टी के अलावा जो नए एडिशन्स हुए हैं वो हैं संजय दत्त एज अधीरा एंड रवीना टंडन एज रमिका सेन। तो जहाँ संजय दत्त का ऑल आउट नेगेटिव रोल है, वहीं पे रवीना टंडन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, एंड दैट इज एज अ पॉलिटिशियन रमिका सेन। तो रवीना इज बैक विद हर सेकेंड इनिंग्स, और वो भी एक मल्टीलिंगुअल मूवी के अंदर। जी हाँ, KGF 2 जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, तो इस बार लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा। कंसिडरिंग दैट KGF 1 वॉज अ स्लीपर हिट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि KGF 2 पे बाहुबली टाइप इफेक्ट होगा। बाहुबली 2 जो है बाहुबली 1 के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा बड़ी हिट थी, तो वही चीज़ हम KGF 2 से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिलीज डेट हालांकि इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द ये जो मूवी है थिएटर में आपके सामने रिलीज होगी। और जिस तरीके का इसने धमाका किया था 2018 में, 2021 में इससे लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ी हिट ये साबित होगी, स्पेशली सिंस इस मूवी ने नॉट ओनली द साउथ इंडियन ऑडियंस बट ओवरऑल जो इंडिया है एंड वर्ल्ड वाइड ये मूवी ने जो है एक्सेप्टेंस हासिल की है इसके Part 1 में। तो 2 को तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, स्पेशली विद रॉकीज परफॉर्मेंस, यानी कि जो यश है उनकी परफॉर्मेंस, उनका स्टाइल। साउथ के जो हीरोज हैं उनके बारे में एक बात तो मानना पड़ेगा कि भाई उनका स्टाइल सबसे यूनिक होता है, फिर चाहे वो रजनीकांत हो या प्रभास हो या अभी यश, उनका जो स्टाइल है, जिस तरीके से वो जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं या उनके जो पूरा पसोना है वो एकदम अलग रहता है। एंड ऑफ कोर्स जो साउथ इंडियन मूवीज़ का जो एक ट्रीटमेंट है वो टोटली डिफरेंट है, एंड कभी कभार तो ये बॉलीवुड को भी पास कर देते हैं। तो चाहे फिर वो शंकर की रोबोट हो या फिर बाहुबली, साउथ इंडियन मूवीज हैव ऑलवेज गिवन अ टफ फाइट टू द पीपल इन बॉलीवुड। तो जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में कहा है कि बॉलीवुड को वैसे ही OTT का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी OTT के साथ साथ ये जो रीजनल कंटेंट है वो भी बॉलीवुड को एक टफ फाइट दे रहा है। तो अगर बॉलीवुड को बाउंस बैक करना है तो उसे भी कुछ ओरिजिनल और मसालेदार कंटेंट लाना पड़ेगा। तो गाइज, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।